नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में अब कांग्रेस के दिग्गज नेता पासा पलटने की तैयारी कर रहे हैं। दल बदल तो राजनीति की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो चुनावों से पहले हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अब कांग्रेस के दिग्गज नेता जो राजस्थान में मंत्री रहे हैं और केंद्र में मंत्री रहे हैं, चर्चा है, खबरें हैं कि अब वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सत्ता सबको अच्छी लगती है और सत्ता के साथ रहने वाले कुछ लोग होते हैं, चाहे वो सत्ता पिछले 50, 40, 30 सालों में किसी की भी रही हो। कुछ राजनीति के ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो हमेशा सत्ता के साथ रहे, कुछ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और कुछ राज्यों की राजनीति में। तो राजस्थान में जिन नामों को लेकर चर्चा है, आज अगले एक घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये दल बदल की जो रिवायत है और चुनावों से पहले इसका जो मौसम है, उसके बीच में एक राजनीति का चरित्र है और एक व्यक्ति का खुद का चरित्र। समाज इस राजनीतिक और व्यक्तिगत चरित्र से क्या लेता है या समाज क्या देता है, इस सवाल के साथ हमारे साथ पौरुष भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के, श्याम झा बीजेपी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार, नरेश अरोड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा उदयपुर से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत पौरुष भारद्वाज जी, बहुत पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है और उसमें वरिष्ठ साथी परिवार को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए मीना जी, मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि एक तो व्यक्ति होता है कि जो आपको संकट के समय में छोड़ के जाता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जब बिल्कुल सब कुछ आपके परिवार में जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है, बिल्कुल परिवार जो होता है वो निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और उस समय यदि कोई व्यक्ति को नाराजगी जताता है तो उसकी नाराजगी समझ में भी आती है, और वो जो व्यक्ति जो स्वाभिमान का नाम लेते हैं या नैतिकता का नाम लेते हैं तो ऐसे समय में उनको समझ में आती है। परंतु जिन व्यक्तियों का राजनीतिक सफर, जिसको चाहे छात्र जीवन का एनएसयूआई हो या फिर युवा अवस्था में उनका सफर यूथ कांग्रेस से शुरू हुआ हो या फिर अन्यथा और किसी माध्यम से पार्टी में आए, और पार्टी ने जिन लोगों को कई बार विधायक बना दिया, कई बार मंत्री बना दिया, सांसद बना दिया, यहाँ तक कि उनके परिवारजनों को भी अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित कर दिया, और जब पार्टी की स्थिति किन्हीं परिस्थिति वशित ऐसी हो गई कि जिसमें पार्टी को अपने इन लोगों की आवश्यकता होती है, और ऐसे समय में यदि ऐसे लोग पार्टी को छोड़ करके जाते हैं तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्तियों से प्रश्न किया जाना ज्यादा उचित होगा बजाय पार्टी के। पार्टी की हम जब मानते हैं कि हमारी पार्टी यदि सत्ता में होती है, और अगर यदि हम लोग हमारे कोई निर्णय ऐसे होते हैं कि जो जन विरोधी निर्णय होते हैं, और जब हम सत्ता में होते हैं और ऐसे समय यदि कोई छोड़ करके जाता है तो निश्चित तौर पे उस पार्टी से प्रश्न किया जाना चाहिए। और मैं आपसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह रही कि एक समय ऐसा था कि जब कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में थी और एक मतलब किसी की दूसरी पार्टियों की संभावना तक नजर नहीं आती थी कि वो सत्ता में आएंगे, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी ने एक विपक्ष का सम्मान किया, विपक्ष को बनाए रखने का सम्मान किया। यही तो राजनीति है पौरुष भारद्वाज जी, और यही राजनीति का चरित्र है। इसलिए जो विपक्ष में थे उन्होंने विपक्ष की भूमिका को शिद्दत से निभाया तो सत्ता पक्ष में आ गए। अब सत्ता पक्ष में जिन्हें लंबे समय से रहने का अनुभव था, उन्हें विपक्ष में रहने की आदत भी नहीं है और अनुभव भी नहीं है, इसलिए उन्हें समय लग रहा है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं राहुल गांधी अपना स्टार्टअप नहीं संभाल पा रहे, पार्टी कैसे संभालेंगे, देश कैसे संभालेंगे। बहरहाल मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा तो ये है कि आदत सबको पड़ जाती है, सत्ता पक्ष में रहने की भी, विपक्ष में रहने की भी। राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जैसी मेहनत उनको आती है वैसी कर रहे हैं, और जो पार्टी उनके साथ है वैसी है। सवाल ये है श्याम झा जी कि राजनीति का कोई भी धर्म, इमाम कुछ नहीं होता, या फिर जो आए घर में परिवार में उसका स्वागत है? देखिए मीना शर्मा जी, ये विचारधारा की बात है और हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई रही है। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, न केवल राज्य में और पूरे देश में, जिस प्रकार से इनके पांव खड़ने लगे हैं, आप देखिए सोनिया गांधी जहां से चुनाव लड़ती थी वो परंपरागत सीट कांग्रेस पार्टी की, तब से जब से देश आजाद हुआ आज उन्हें वो दिखने लगा और उनके पांव उखड़ने लगे और वो उनको वहां से छोड़ के राजस्थान आना पड़ा राज्यसभा के लिए। अब आप देखिए, जहां कांग्रेस आरोप लगाती रही पार्टी पे कि ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है, आप देखिए मुस्लिम देश में राम मंदिर बनता है
और वहां के लोग नरेंद्र मोदी जी को बुलाते हैं मुख्य अतिथि के रूप में, प्रधानमंत्री जी को बुलाते हैं और कितना बड़ा आयोजन होता है। और वही देश में जहां आयोजन होता है, पूरे जो सनातनी है उन लोगों को अपेक्षा थी कि कांग्रेस पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं उन लोगों को निमंत्रण भेजा गया और वो लोग जाएंगे। और यहाँ यही कारण है जो देश में विचारधारा की जो लड़ाई है और कहीं ना कहीं पांव उखड़ते जा रहे हैं कांग्रेस के। आप देखिए महाराष्ट्र में हो कि दिल्ली में, तो पांव जिनके उखड़ रहे हैं आप उनकी मदद कर रहे हैं, बात ये है ना कि आप उनके पांव उखाड़ने में पार्टी के ही पांव उखड़ रहे हैं, पार्टी के ही पांव उखड़ रहे हैं। और जहां विचारधारा लोगों को ठीक लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में देश का विकास हो रहा है, वो सभी लोग अपना जो है विश्वास जता रहे हैं और पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जी जगदीश शर्मा जी, विचारधारा की ही सारी कहानी है। मीना जी आपको ध्यान होगा, कल जो है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते एक बोल रहे थे, उनकी बात को ध्यान से सुना होगा आपने। वो कहते हैं कि कांग्रेस के पास क्या तो विचार है और क्या नीति है। राहुल गांधी पहले ये क्लियर करें, ताकि ये जो बार बार बात होती है कि विचारधारा की लड़ाई है, इसकी लड़ाई है, ये इनकी नीति क्या है और विरोध क्या है, कुछ भी क्लियर नहीं है। एक तरफ ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ केरल में जो है किन किन लोगों से समझौता करते हैं, ये नीति एक साथ कैसे चल सकती है। दोनों चीजें आप जो है मुस्लिम संगठनों के साथ तो समझौता करें, राम मंदिर का विरोध करें और फिर हिंदुस्तान में राजनीति कर लें, कैसे कल्पना की जा सकती है। तो सवाल ये नहीं है और ये बदल भी नहीं रहा है, कई साल हो गए ये बदल भी नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रही है किसी को भी, न नेताओं को समझ में आ रही है न क्या। मीना जी ऐसा है कि कांग्रेस में जब पहली बार चुनाव हारी थी कांग्रेस पार्टी, आपको ध्यान होगा 2014 में एक कमेटी बनाई थी एके एंटोनी जी की अध्यक्षता में। एके एंटोनी जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसकी एक मोटी राय ये थी कि हम ऐसी नीतियों पर आ गए हैं जो एक पक्षीय हो गई है, वो भारत की जो है आम जनता को रिप्रेजेंट नहीं करती, उसकी भावनाओं को रिप्रेजेंट नहीं करती, और अल्पसंख्यकवाद को हमने इतना ज्यादा तरजीह दे दी कि बहुसंख्यक हमको छोड़ छोड़ कर चले गए। ये एक है एंटोनी की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। जो 2014 में बहुत जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी तब उनकी कमेटी बनाई गई थी, कमेटी या इंडिविजुअल ये कह दीजिए, और उन्होंने की थी। वही है एक है एंटोनी जिनके सुपुत्र अनिल एंटोनी वो वहां से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वो कांग्रेस के लीडर थे केरल। तो जब इस लेवल पर बात चल रही है, इस लेवल पर लोगों का सोच चल रहा हो, सबको समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है, तो जो है ये स्थितियां कब बनती है। राजस्थान में तो बहुत बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी है, दूसरे राज्यों में तो बहुत पहले से बनना शुरू हो गई। जो लोग केंद्र से लेकर केंद्र से लेके क्यों, आप बिहार देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, और बहुत सारे मैं स्टेट एक एक याद करूंगा तो बहुत सारे गिना दूंगा, जहां सब जगह पर भगदड़ मच गई है कांग्रेस के नेताओं में। चीफ मिनिस्टर रैंक के लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आपने देखा ही है अशोक चौहान भी आ गए। अब जब इतने सीनियर लोग जो राजस्थान के नेताओं से बहुत पहले चीफ मिनिस्टर थे, तो वो भी अगर ये तय कर लेते हैं या समझ जाते हैं कि चलिए अब यहाँ से चलने में ही फायदा है, हवा का रुख समझ लेते हैं, तो ये जो हवा का रुख समझ कर पार्टी से निकलने की ये जो प्रवृत्ति है नेताओं की, इससे व्यक्तिगत स्वार्थ के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे व्यक्तिगत स्वार्थ के रूप में देखा जाना चाहिए। मुनेश अरोड़ा जी,
नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ के रूप में नहीं देख सकते आप इसको, क्योंकि आदमी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं पार्टी में रहते हुए वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था जहां से कांग्रेस ने ये पद यात्राएं निकालना शुरू की, उसको मैंने कवर किया था। उदयपुर के अंदर सोनिया गांधी सारे लीडरशिप आई थी यहाँ पे। कांग्रेस ने जन आधार से जुड़ने के लिए कोशिश शुरू की थी, मगर जो नेता है उनको उनको वो बांधने के लिए क्या करे उस पर कोई चिंतन ही नहीं हुआ, क्योंकि नेताओं की महत्वाकांक्षाएं कांग्रेस के अंदर इतनी बढ़ती जा रही हैं कि उनको अपने अपने परिवार के लिए सब कुछ उनको खुद के लिए चाहिए, बाकी अगर कोई आगे बढ़ता है तो वो उनको बड़ा बुरा लगता है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मैंने बहुत लंबे समय तक कवर किया, वो उदयपुर आते रहते हैं, लंबे समय तक मैं जानता हूं उनको। महेंद्र सिंह मालवीय के पेट में जो सबसे बड़ा दर्द रहा वो पिछले चुनाव के बाद अर्जुन बामणिया को वहां पे मंत्री बनाया गया और महेंद्र सिंह मालवीय को 2 साल बाद मंत्री बनाया, हालांकि अभी रघुवीर मीणा को हटाकर उनको CWC का मेंबर बनाया, मगर उनकी जो टसक अशोक गहलोत के साथ थी और वो जो आगे बढ़ती चली गई वो कंट्रोल में वापस आई नहीं। तो जो पार्टी के अंदर जो निजी कटुता का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, चाहे कोई भी स्टेट हो, निजी कटुता जब जब बढ़ेगी तब इस तरह की हरकतें और इस तरह से पार्टियां छोड़ने की बात आएगी। नंबर दो, खुलेआम पार्टियां आरोप लगाती हैं कि जिन नेताओं का सबसे ज्यादा डर ED का है, CBI का है या अन्य तौरे का अन्य प्रकार के डर है, तो वो सबसे पहले पार्टी की जो भावना है, जो जो उनकी निष्ठा है उसको तिलांजलि देते हैं और दूसरी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, ताकि कम से कम 5 साल तो आराम से वो निकलेंगे, फिर वापस आगे मौका आएगा तो वापस लौटा जाएगा। तो ये जो अवसरवादी राजनीति है जिसमें राजनीतिक के मूल्यों को तिलांजलि दे दी जाती है, वो कारण है जो इस तरह के नेता पार्टी छोड़ते हैं और अवसर की तलाश जैसे ही सामने आती है तो नई पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसको बुनाने में लग जाते हैं। तो राजीव जैन जी, ये बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो ये कि पार्टी के भीतर महेंद्रजीत सिंह मालवीय हो, चाहे आपके कटारिया जी जयपुर वाले हो, चाहे राजेंद्र यादव हो, तमाम लोगों की ये शिकायतें कि उन्हें उनका उचित नहीं मिला, उनकी महत्वाकांक्षा के अनुरूप नहीं मिला, वरिष्ठ नेताओं ने काटने का काम किया। एक बात बार बार चर्चा होगी, राजस्थान की राजनीति का जब भी इतिहास में चर्चा होगी, पिछले 25 साल की राजनीति में अशोक गहलोत जहां बड़ी भूमिका में रहे, 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस को क्या दिया और राजस्थान से उन्होंने देश की कांग्रेस को क्या दिया? व्यक्तिगत हितों की पूर्ति उन्होंने अपने लोगों की की, या उन्होंने आलाकमान तक जो एक सिस्टम की बात यहाँ लगातार होती है उसको मेंटेन किया, लेकिन पार्टी को उनकी देन क्या है? बात ये जरूर मुनेश अरोड़ा जी की बात से भी उठती है। और राजीव जैन जी, एक तरफ व्यक्तिगत हित है और दूसरी तरफ पार्टी से मिली एक तरह की कुंठा है या उचित न्याय नहीं मिलना है, तो ऐसे में जस्टिफाई कर पाएंगे आप कि भाई ठीक है, लालचंद कटारिया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, राजेंद्र यादव या तमाम ऐसे ही नाम जो कांग्रेस पार्टी का रुख कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में कुछ लोगों ने किया था? देखिए मीना जी, कांग्रेस अभी विचित्र दुविधा में पड़ी हुई है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने हैं तो, और BJP पे ये आरोप लगाया जाता है जनरली कि वो ऑपरेशन लोटस के रूप में कुछ चला रही है। तो ये जिन नामों का आपने जिक्र किया वो बड़े कद्दावर नाम है, वैसे अपने अपने इलाके में, राज्य में मंत्री भी रहे, उनका काफी योगदान भी है कांग्रेस के उसमें, लेकिन किस कारणों से वो जा रहे हैं? जैसे भी अरोड़ा जी बता रहे थे चिंतन शिविर की, जगदीश जी उसका जिक्र कर रहे थे AK एंटनी कमेटी का रिपोर्ट, तो कांग्रेस में चाहे चिंतन हो चाहे कमेटी की रिपोर्ट हो, उन पर कभी गौर किया ही नहीं जाता है। नेता अपने बलबूते ही जीत के आते हैं, जो भी विधायक भी बनते हैं, पार्टी का रोल तो बहुत नगण्य सा रहता है, स्थानीय स्तर पर वो प्रभावशाली नेता रहते हैं। तो दूसरा दल जो है वो 400 सीटों के आकलन के उस पर चल रहा है, तो वो एक एक चीजों को देख रहा है कि किन लोगों को लेने से उसको फायदा है, टिकट भले ही नहीं दे। पिछले राज्य में जो विधानसभा चुनाव हुए उस दौरान भी बड़ी संख्या में लोग BJP में शामिल हुए थे, लेकिन उनमें से इक्के दुक्के लोगों को ही टिकट मिला, टिकट नहीं मिला इस तरीके के जो दूसरी पार्टियों से आए, 2-3 अपवाद हो सकते हैं उनको टिकट मिला,
अदरवाइज बहुत से लोगों को टिकट नहीं मिला। लेकिन अब जो अपना चर्चा का विषय है कि पार्टी के इतने बड़े लोग जो राजस्थान जा रहे हैं, तो ये तो नाम आपने गिना दिए, ये किसी जमाने में जो कटारिया जी या यादव जी, एक नाम और मैं बता देता हूँ, उदयलाल आंजना, ये सब एक लाइन में लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे बीजेपी में घुसा जाए। मालवीय जी तो अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, तो इनकी सबकी जो बाकी जो मालवीय के अलावा जो तीन चार नाम है वो कहीं ना कहीं सीपी जोशी से अटैच रहे, सीपी जोशी के जरिए वो अशोक गहलोत के नजदीक रहे, तो उस रूप में इस तरीके के लोग जा रहे हैं भविष्य में, और कौन जा सकता है। मीना जी जो एक आशंका लगती है, आप देखना आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से पहले और भी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे, और आने वाले 2-2.5 साल बाद आप जो राजस्थान में विधायक देख रहे हैं, 69 विधायक हैं कांग्रेस के, उसमें से 20 से 25, ये मेरा आकलन है, 20 से 25 विधायक पार्टी छोड़ देंगे, विधायक दल में विभाजन हो जाएगा। वो किन्हीं कारणों से होगा, सबके अपने अलग अलग कारणों में, किसी की राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद जाग जाएगा, किसी का हृदय परिवर्तन होगा, किसी को देश में विकास की गंगा नरेंद्र मोदी बहाते नजर आएंगे, तो सबके अपने अपने कारण होंगे। लेकिन पार्टी में बहुत बड़ी टूट होगी, टूट एक तरह से नहीं हो, लेकिन लोग काफी बड़ी संख्या में छोड़ के जाएंगे, क्योंकि सत्ता है, दूसरी तरफ सत्ता भी है, और दूसरे दल का मतलब जो वो सियासी है उनका सियासी कर्तव्य भी है कि उनकी पार्टी को बड़ा बनाए, तो दूसरे दल के लोग आ रहे हैं, उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को स्वीकार, तो उनको तो कोई आपत्ति होगी नहीं। और जो लोग जा रहे हैं, कांग्रेस तो आरोप लगाएगी कि भाई वो कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया, इतना दिया, वो पता नहीं वो अपने व्यक्तिगत उससे जा रहे हैं, अपने लाभ के लिए जा रहे हैं, ये दोनों पार्टियों के अपने आरोप प्रत्यारोप हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पे हम देखें तो वास्तव में जो कांग्रेस में एक एंटनी कमेटी की, जैसे जगदीश जी कह रहे थे, और चिंतन सीबर, एंटनी कमेटी ने तो साफ साफ कहा था 2014 में कहा था, उसके बाद कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाया, सोचा कि ये इस तरीके से कुछ कदम भी उठाए थे, 2019 का इलेक्शन आया, नतीजा वो का हुई, अब 2024 का चुनाव आ रहा है, कांग्रेस ने अभी से पहले उदयपुर चिंतन शिविर किया था, उसमें क्या किया था, अपने पूर्व में भी चर्चा हुई थी, मैंने भी उसका जिक्र किया था, कहना कि ब्लॉक स्तर को मजबूत करेंगे, ब्लॉक स्तर में बदलाव करेंगे, जबकि ब्लॉक स्तर का नेता और कार्यकर्ता तो ये कहता है कि भाई तुम्हारे प्रदेश नेतृत्व में बदलाव करो, प्रदेश ने राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें तो गहलोत और पायलट वर्सेस पूरे 5 साल चलता रहा, कार्यकर्ता तो उसी में, इनके नेता उसी में बटे रहे, जो पार्टी छोड़ के भी जा रहे हैं वो भी उसी रूप में बटे रहे थे, अब कौन से ग्रुप के लोग जा रहे हैं छोड़ के, इसका भी आकलन कांग्रेस को करना चाहिए, कौन सा ग्रुप रह गया, उस ग्रुप के लोग भी जाएंगे, कुछ नाम तो मैं भी जिक्र कर सकता हूँ लेकिन समय नहीं है उसका, लेकिन आने वाले 1-2 साल में आप देना काफी बड़ी संख्या में लोग जो मौजूदा विधायक हैं वो भी पार्टी छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं जी सत्ता का भी एक लालच रहेगा, या पार्टी के अंदर की जो व्यवस्थाएं रहेंगी कांग्रेस उनको क्यों नहीं संभाल पाएगी। तो सवाल, एक सवाल तो ये है, एक सवाल तो ये है राजीव जी, कि क्या बीजेपी में सब कुछ इतना अच्छा है कि बीजेपी में जाने वालों को कांग्रेस पार्टी में जितनी परेशानियां थी उनसे निजात मिल जाएगी? एक सवाल तो ये है जिसका सवाल जवाब मैं आप लोगों से लूंगी। श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़ गए, श्याम जी क्या हो रहा है ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ कि उन्हें बीजेपी से प्रेम होता दिख रहा है? राजनीति में जो स्वार्थों की पूर्ति है वो हो रही है, क्योंकि नहीं तो ईडी लगेगी तो कई चीज, अगर बाहर रहोगे तो जेल में चल जाओगे और पार्टी में आ जाओगे तो फिर वो धुले साफ सुथरे, और श्याम झाजी को पता है किस तरह की स्थितियां कर देते हैं वो, तो नेता हमारा हो जाएगा। देखिए महेंद्रजीत मालवीय CWC के सदस्य हैं, उनकी पत्नी जिला प्रमुख है, खुद विधायक जीत के आए हैं, अब वो सपने देख रहे थे कि मैं तो प्रतिपक्ष का नेता बनूं, और उन्होंने कहा कि मैं तो 2013 में भी बनने वाला था, रामेश्वर ड्यूटी को बना दिया गया। अब वो देखिए जब वो मंत्री हुआ करते थे उनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगे थे, पता नहीं अशोक गहलोत ने उससे क्यों नहीं निपटा, अब वो पछता रहे होंगे कि देखिएगा वो जाके दिल्ली कह रहे हैं कि मेरे साथ तो कुछ लोगों का कब्जा हो गया पार्टी पर, तो भाई आप तो डूंगर बांसवाड़ा में तो आपका ही कब्जा है, बाकी तो कोई लड़ता नहीं चुनाव वहां से, आप या आपकी पत्नी ये जिला प्रमुख खुद भी रहे हैं, इस स्थिति में क्या कुछ हुआ है। लेकिन महेंद्रजीत मालवीय जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं वो खुद के दामन को नहीं देख पाए कि उनका दामन कितना दागदार है, अगर तरीके से देखा जाता है तो फिर अब शाह जी क्यों ले रहे होंगे, उनको पता है कि क्यों हमारे पास तो आप पार्टी जब भारत ट्राइबल पार्टी अच्छी स्थिति में है तो भाजपा को पता है कि हम जीत नहीं पाएंगे अगर हम वहां से डूंगरपुर बांसवाड़ा से
सांसद का चुनाव लड़ेंगे, जो 25 का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा करने में दुविधा होगी। तो कह रहे हैं मालवीय को आ जाओ, मालवीय चले भी गए दिल्ली, अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया, ज्वाइन करना था, वो किसके इंतजार में मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए देखिए और भी नाम है, राजेंद्र यादव 3 बार छापा गिर चुका है आपको पता हो तो। अब राजेंद्र यादव को भी सब कुछ दिया अशोक गहलोत ने, वो कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, उनका कारोबार देखिए उत्तराखंड में कितना बड़ा है। अब वो जानते कि मेरे कारोबार को बनाए रखने के लिए मुझे तो सत्ताधारी पार्टी से संबंध रखना पड़ेगा। अब सीपी जोशी नहीं और लालू प्रसाद यादव कोई जमाने में उनकी सिफारिश करने वाले हुआ करते थे तो टिकट मिला था। सीपी जोशी के लड़के डायरेक्टर है आप देखो डायरेक्टर। अब देखिए अब ये राजीव जी को खुलासा ज्यादा है, मेरे को तो डायरेक्टर का पता नहीं आ रही। देखिए मैं कह सकता हूँ राजीव जी को ज्यादा पता है कि डायरेक्टर है सीपी जोशी, मेरे को इसका पता नहीं। हाँ सीपी जोशी के बेटे, सीपी जोशी के बेटे बेटे ही होते हैं डायरेक्टर, कुछ खुद खुद थोड़ी ना बनेगा डायरेक्टर। अशोक गहलोत के बेटे किस किस में डायरेक्टर है आपको ही पता है ना। तो इसलिए देखिएगा भारत में अपने बच्चों को और खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, राजनीति में कोई नई बात नहीं है। लेकिन देखिए लालचंद कटारिया केंद्रीय मंत्री बनाया, सब कुछ किया, सारी चीजें की, अब वो जा रहे हैं जयपुर ग्रामीण, देखिए वो चुनाव भी नहीं लड़े। उनको देखिएगा जिस तरह से चुनाव लड़ना था, जिस तरह से वो जीत के आए हैं, राजवर्धन सिंह जहां से जीत के आए वहां से उनको चुनाव लड़ना था, नहीं लड़े। वो जानते थे कि मेरी दाल गलेगी नहीं, मैं हार जाऊंगा, इसलिए चुनाव नहीं लड़े। अब वो जयपुर ग्रामीण से फिर से सांसद का, लेकिन अभी जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ने में उनकी मदद भी राज्यवर्धन राठौड़ ही करने वाले हैं श्याम जी। अब तो करेंगे क्योंकि जब पार्टी के हो जाएंगे तो करेंगे। कल मुझे बीजेपी कार्यालय में था तो ओपी सैनी आपको पता आईएएस हुआ करते थे, वो भी सपने देख रहे कि मुझे टिकट मिल जाए, क्योंकि वसुंधरा जी ने वीआरएस दिला करके उनको पहले एमएलए का चुनाव लड़ाया था लेकिन जीत नहीं पाए, उनको टिकट दिया था जीत नहीं पाए थे। अब देखिए जिस प्रकार से देखिए मैं रिचपाल मिर्धा की बात हो रही है कि नागौर में किसको लड़ाया जाए, रिचपाल मिर्धा को भी लाने की बात हो रही है। दिनेश खोड़िया, वही दिनेश खोड़िया जो कि वो देखिए सीए है और अशोक गहलोत की उसमें चर्चा में आए थे इस दिन थोड़े दिन पहले, तो आपने सुना होगा कि जब छापेमारी गिरी थी। अभी बयान आया है कि वो नहीं जा रहे, उनके साथ तीन एमएलए आदिवासी क्षेत्रों के अर्जुन लाल, एक नीनामा जो पूर्व विधायक नीनामा है और अर्जुन बाबनिया, ये तीनों एमएलए इस वक्त अशोक गहलोत से मिल रहे हैं। नहीं वो तो एमएलए थोड़ी ना है दिनेश खोड़िया, वो तो एमएलए नहीं है वो तो। देखिए तीनों अभी तो अशोक गहलोत ने आज अपने बंगले पे बुलाकर तीनों को कहा है कि भाई तुम मत जाना, नहीं तो मेरी तो एक जा रहा है तो अभी स्थिति मेरे को जवाब देना बजे की बात है। हाँ वो उनको तीनों को बुलाया है, तीनों बैठ आ गए जयपुर में उनके पास बैठे। कि जो एक अफवाह चल रही है कि ये सब भी बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन वो भी उनका जो बयान आया है अधिकतर, अच्छा ये नहीं जा रहे। हाँ हो सकता है, देखिए वो अशोक गहलोत ने कहा होगा कि भाई कुछ अपना बयान दिया है तो आप अशोक गहलोत हैं। देखिए राजनीति में बहुत सारी चीजें अशोक गहलोत करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं, दोनों ही बातें हैं ना। इसलिए देखिएगा अभी सोनिया गांधी अलग कभी कर लेंगे। अभी सोनिया देखिए सोनिया गांधी की संपत्ति को लेकर की भी देखिएगा जो चुनीलाल ग्रासिया के चुनाव एजेंट है उन्होंने एक पत्र दिया है कि उन्होंने सही जानकारी नहीं दी है जो इटली की से। तो बहुत सारी राजनीति में राजस्थान एक चर्चित रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति पे तो पिछले 10 साल से केंद्र में सरकार है और राज्य में भी सरकार आ गई, बार बार आया भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया, कभी नहीं आ पाया, कुछ नहीं हुआ। रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति, मिला जुला खेल दोनों तरफ से चलता है, तो एक लेवल पे सेटलमेंट है कि कितना नुकसान करना है कांग्रेस पार्टी का। तो ठीक है नेताओं को ले आते हैं, गांधी परिवार को अपना जीवन ऐशो आराम से जीने देते हैं जैसे जी रहे हैं, और जो संघर्ष है वो भी करने देते हैं, उसमें भी ईडी वीडी सब एक सीमा तक आपने जितना स्ट्रेच करना था कर लिया। सवाल ये है कि जिस तरह से राजनीति कांग्रेस पार्टी की आगे बढ़ रही है, पौरुष भारद्वाज जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आए थे विधानसभा चुनाव से पहले, तो उन्होंने बहुत कष्ट के साथ तकलीफ के साथ कहा था कि पार्टी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और पार्टी को सब संभालना है। उनकी इस बात को पार्टी के लोगों ने सुना नहीं, समझा नहीं, और आपको आज कांग्रेस पार्टी की परेशानी ये भी नजर आती है क्या पौरुष भारद्वाज जी, कि वर्कर जो है उसे पता नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल ये रहा
वर्कर को पता नहीं है जाए कहाँ, बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं है जाए कहाँ, राष्ट्रीय नेताओं से मिलना उनका मुमकिन नहीं है, राज्य के नेता तो पक्का मालूम है कि किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है देवाराम जी तक को। देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मैं जैसे पहला भी कह रहा था लेकिन बात बीच में रुक गई थी मेरी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए जो देश की जो सत्ताधारी पार्टी होती है, अगर उसकी लोकतंत्र में आस्था है तो उसको जो देश की विपक्ष वाली जो संवैधानिक व्यवस्था होती है उसको एक सुरक्षित पैसेज देना चाहिए। निश्चित तौर पर खिलाफत करने का काम विपक्ष का होता है जो उसका संवैधानिक दायित्व होता है, परंतु देश में ये पहली बार देखने में आ रहा है कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो लगातार जो है विपक्षी पार्टियों को धमकाने का, उनके निजी आय के स्रोतों पे हमला करने का, उनके काल्पनिक स्रोतों को मीडिया के माध्यम से प्रचारित करवा करके ईडी के छापे पड़वाने का कार्य करके लगातार जिस प्रकार से एक हतोत्साहित करने का कार्य कर रही है कि जो चाहे वो विपक्षी पार्टी के नेता उनको डराने का धमकाने का कार्य कर रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पिछली बार हमने राजस्थान में देखा, राजस्थान में कितने हमारे यहाँ पर ईडी के छापे पड़े, सीबीआई के छापे पड़े, जब मानेसर में कुछ विधायक चले गए थे उस समय, जब यहाँ पे जयपुर में जब हमारी सरकार बचाने का प्रयास अशोक गहलोत जी कर रहे थे उस समय भी प्रताप सिंह जी के पिताजी जो कि जनसंघ के कर्मठ किसी जमाने में रहे हुए थे उन तक के इन लोगों ने सीबीआई के छापे पड़वाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए जब इस तरह के जब एजेंसियों के प्रयास होते हैं और ये प्रयास सिर्फ झूठे प्रयास होते हैं, ये इस बात के सबूत के प्रमाण के तौर पे मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अब तक राजस्थान में जितने भी ईडी के छापे पड़े या सीबीआई के छापे पड़े उनमें किसी में भी ईडी के या सीबीआई के प्रवक्ता ने आकर के यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि भाई हमने यहाँ पे इतने करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति बरामद करी या फिर हमने इतने करोड़ रुपए बेनामी बरामद करे और इसके कांग्रेस के फलाने नेता से फलाने कांग्रेस के नेता के परिवारजन से सीधा सीधा संपर्क है। तो देखिए जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि ये सिर्फ ईडी को छोड़ करके स्क्रैच लगाने का काम करते हैं, ईडी को जो इस प्रकार छोड़ा मतलब कांग्रेस पार्टी को डेंट लगाने का काम किया, स्क्रैच लगाने का काम करते हो, निश्चित तौर पर जो आम कार्यकर्ता होता है आम नेता होते हैं उनमें भय व्याप्त होना अवश्यंभावी होता है। देखिए आज दिन में आपने देखा कि सुबह हमारे जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आपने देखा कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो खाते थे उन तक को इनकम टैक्स ने फ्रीज कर दिया। अब देखिए देश ये अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहा है, जबकि सरकार का एक कायदा होता है कि सरकार को विपक्ष को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, विपक्ष का धर्म होता है कि सकारात्मक रूप से सरकार की आलोचना करे, तो कांग्रेस पार्टी यही तो काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आपकी तरह अन्ना आंदोलन या बाबा रामदेव को आगे करके कोई फैब्रिकेट आंदोलन थोड़ा किया था, और आप लोग सबसे बड़ी बात अभी जैसा मीना जी ने कहा कि हम तो आपको चैलेंज कर रहे हैं ना, आप कार्रवाई कीजिए हमारे खिलाफ अगर कोई मामला है तो। आप जब हमारी सत्ता थी यूपी 2 था उस समय आप हम पे कोल स्कैम का आपने आरोप लगाया, 2G स्कैम का आपने आरोप लगाया, और आपके आरोप पे कार्रवाई करते हुए हमने हमारी खुद की सरकार मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। देखिए इससे बड़ा नैतिकता का उदाहरण क्या होगा, और उसके बाद में आपकी सरकार आई, आप कह कर के आए कि हम आएंगे, हम जैसे सत्ता में आएंगे हम कांग्रेसों को जेल भेजेंगे, इनके सारे घोटालेबाजों को जेल भेजेंगे। बताइए आप लोग क्या कर पाए, न्यायालय में से सब मामलों में से हम बारी बारी से बरी होकर के आए, आप लोग तो अपील तक नहीं कर पाए क्योंकि आपको पता था कि वो सारे मामले फैब्रिकेटेड मामले थे। और देखिए दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस मामले में यदि आप इसको देश को लोकतंत्र के को हटा करके यदि आप तानाशाही को अग्रसर करेंगे तो एक निश्चित सीमा तक हो सकता है कि आपको अच्छा लग रहा हो लेकिन अंतिम परिणाम इसका देश की जनता के साथ साथ आपको भी भुगतना पड़ेगा। आपका निश्चित तौर पर सत्ताधारी पार्टी और नेता के दायित्व है कि आप एक विपक्ष को एक सुरक्षित पैसेज दें और विपक्ष को एक अपनी सकारात्मक आलोचना करते, इसमें आपका भी हित है। विपक्ष आप मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा, आपकी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में आप भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आप वो जो काला कानून था कि जिसमें किसानों की जमीनें छीनने तक का प्रावधान हो गया था, उद्योगपतियों को देने का प्रावधान हो गया था, कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर के आपको उसको वापस लेना पड़ा ना, तो उसमें आपका भी हित हुआ। आप अगर उस जगह सपोर्ट कीजिए कि वो बिल लागू हो जाता। जब कांग्रेस पार्टी में इतनी ताकत है कि किसानों से जुड़े हुए 3 कानूनों को केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा, तो कांग्रेस पार्टी में इतनी ताकत क्यों नहीं है कि अपने नेताओं को कम से कम ये बात समझा सके कि वो पार्टी में रहकर पार्टी को आगे बढ़ाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मेरी बीजेपी के श्याम झा जी से सवाल है, लेकिन मैं आपके पास आऊं श्याम जी, उससे पहले डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कुछ बोल रहे थे जब पौरुष जी बोल रहे थे। जी मुनेश जी। मीना जी मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि मेरे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से बात हुई, बहुत अंतरंग बात हुई, खुल के बात हुई। कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले बहुत दूर है आत्म मंथन में, उसकी कार्य प्रणाली बहुत दूर है। चाहे वो आप सेवा दल को देख लीजिए, चाहे उसके संगठनों को देख लीजिए, सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मेरी पर्सनल बात हुई। मैंने जब उनको ये कहा कि आप आरएसएस का मुकाबला कर रहे हो, आपके पास तो कैडर ही नहीं है, तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से माना कि हाँ हमारे पास कैडर नहीं है, हम बहुत दूर हैं, हम जो आरएसएस कर रहा है उससे कोसों दूर खड़े हुए हैं,
ना हमारे पास शक्ति है, ना हमारे पास नीति है, ना हमारे पास उतने योजना है जिस तरह से आरएसएस वर्क कर रही है। सबसे बड़ी बात मीना जी मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को आत्म मंथन करने की जरूरत है कि किस तरह से ग्राउंड लेवल पर वर्कर को तैयार किया जाए। आज उसका वर्कर खुद ही बाहर नहीं आ रहा, वो अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहा है। और जरूर ये कहते हैं सीबीआई सीआईडी इस सब का डर है, मगर बीजेपी की कार्य प्रणाली और जो उसका जो स्ट्रक्चर है और जिस तरह से वो कैडर बेस काम कर रही है, कांग्रेस को उससे सीखना चाहिए। कांग्रेस की आज जो दुर्गति हो रही है वो ये कि उसके कार्यकर्ताओं का सम्मान ही नहीं है। कांग्रेस के अभी जो चुनाव हुए थे पिछले विधानसभा के, हमने देखा है, बहुत क्लोजली देखा है, ऑब्जर्व किया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हालांकि जरूर कह रहे हैं कि 70 सीटें आ गई, हमारा ये आ गया, तो जो अशोक गहलोत ने घोषणाएं की थी उसका तो कैसे आई है, वो 70 सीट कैसे आई है, उसमें किस किस का कितना योगदान है, ये जगदीश जी, राजीव जी, श्याम सुंदर शर्मा जी और आप डॉक्टर मुनेश अरोड़ा खुद कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। उसमें अशोक जी का, उसमें वसुंधरा जी का, उसमें बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का कितना योगदान है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बात ये श्याम झा जी कि आपके यहाँ आने से सबकी धुलाई हो जाती है। एक तो ये बहुत बड़ा आप पर आरोप लगता है कि कल तक, जैसे यहाँ श्याम जी ने जिक्र किया था कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय खुद करप्शन के चार्जेस उनपे लगे, लेकिन उनके मंत्री रहते हुए, लेकिन मतलब आपके यहाँ आते ही सब एकदम साफ सुथरे हो जाएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कल तक जो व्यक्ति, और कल तक सालों दशकों तक जो व्यक्ति कांग्रेसी विचारधारा के साथ जिया है, आगे बढ़ा है, अपना पूरा जीवन निकाला है, वो अचानक आपकी विचारधारा में लिप्त हो जाएगा, आत्मविलीन हो जाएगा, कि लगता है आपको इतना इजी है, स्वाभाविक है? देखिए मीना शर्मा जी, मैं बताऊं आपको, पहली बात विचारधारा की जो आपने बात की, तो हम देख सकते हैं उसके लिए उदाहरण है, हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, पहले वो कांग्रेस में रहे, लंबे समय तक रहे, विभिन्न पदों पे मंत्री भी रहे, लेकिन अगर वो आए तो किस प्रकार से बीजेपी की विचारधारा के साथ ताल से ताल मिला के चल रहे हैं और बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, और बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रूप से वो सामने आए हैं। और रही बात जिस प्रकार से पौरुष भारद्वाज जी बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं पौरुष भारद्वाज जी, पिछले 10 साल में ईडी ने जितने केस दर्ज किए उससे 97% मामलों में सजा हुई है। आप कह रहे हैं जेल भेजने के लिए, केजरीवाल भी नहीं बहुत बोलते थे जेल भेज दीजिए, आप बार बार डराते क्यों हैं, फिर जेल भेज देते हैं तो फिर वो ईडी अपना काम करती रहती, आप चिंता मत करिए, देर जरूर है थोड़ा। अशोक चव्हाण जी पे आतंक घोटाले का आरोप 2010 में आपने लगाया था श्याम जी, अब हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री थे और हमने उनसे इस्तीफा ले लिया था। बीच में इंटरप्ट नहीं किया आपको, आपकी बारी आए तो बोलिएगा, सफाई दीजिएगा, मैं आपकी बात कर लेता हूँ। तो आपके जो घोटाले बाद जितने मंत्री रहे सब जेल जाएंगे, निश्चित जेल जाएंगे। मैं मीना शर्मा जी और बाकी मेरे वरिष्ठ आशीर्वाद देने वाले जो सीनियर लोग बैठे हैं, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता, उन सभी के समक्ष ये कह रहा हूँ, निश्चित जेल जाएंगे। और एक लाइन ऐड कीजिए बीच में कि अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे तो जेल जाएंगे, एक लाइन ऐड कीजिए बाद में। मैं बात ये कह रहा हूँ, एक लाइन बीच में, आप एक लाइन बीच में ऐड कीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे तो जेल जाएंगे। आप देख रही है, आप अगर बोल ये बोल रहे हैं तो मैं टोकता नहीं हूँ, ये बीच में बोलेंगे तो फिर मेरे को भी इनको टोकना पड़ेगा, इंटरप्ट करना पड़ेगा। प्लीज तो थोड़ा सा संयम रखिए, जेल जाने की तैयारी करिए, प्रैक्टिस बढ़ाइए अपनी, घर पे थोड़ा सा बिजली वगैरह का उपयोग कम करिए, एसी वगैरह की सुविधाओं से थोड़ा सा वंचित रहिए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे विश्वास रखती है, ठीक बात है, कांग्रेस के कोई नेता अगर भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित है और वह देश के विकास में साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है, क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के हम चलते हैं। इन्होंने खूब मुस्लिमों को डराया कि ये श्याम झा जी, श्याम झा जी हमारे यहाँ पे, हमारे कार्यक्रम में, हमारे प्लेटफॉर्म पर
हमारी नेटवर्क में हमारी कोशिश रहती है कि हम समाज को बांटे नहीं, ना धर्मों में और ना जातियों में। तो उससे आप प्लीज लेकिन ये राजनीति का जगदीश शर्मा जी के पास जाऊंगी मैं। जगदीश शर्मा जी जिस प्रकार से इन्होंने डराया, लेकिन आज वो भी स्वीकार करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ के चलते हैं, और उन्होंने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो भी कार्य किए देश के विकास के लिए, वो सभी के लिए बराबर है, इक्वल है। उसमें कहीं शौचालय बनवाए हो, चाहे सिलेंडर बांटे गए हो, चाहे मकान बनवाए हो, सभी के लिए है। तो वो सब उनको भी समझ में आ गया है, सभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत है और देश के विकास में सब भागीदार बनना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आती है आपकी बात। तो जगदीश शर्मा जी, एक तरफ तो है कि भाई विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के नेताओं को इतना असीम प्यार हो गया और बीजेपी को भी समझ में आ गया कि प्यार एक तरफा नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको अपनाया, अपना रहे, अपनाएंगे। लेकिन दूसरी बात ये है जगदीश जी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, अगर हम दुनिया भर के लिहाज से देखें, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, जो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हुई हैं जिन्होंने रूल किया है कंट्री को, उन पॉलिटिकल पार्टीज की भी एक उम्र होती है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने उस उम्र के पड़ाव पर है जहां पतन का ये हाल इस वक्त जो हुआ है, और इसके रिवाइवल में जो समय है वो भी कोई होने की चांसेस भी है, या फिर कांग्रेस पार्टी का समय हो गया? मीना जी, ऐसा है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री में एक बात कही जाती है कि जब इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ने लगती है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो टेक्नोलॉजी चेंज करता है, और टेक्नोलॉजी चेंज करके अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाने की कोशिश करता है, ताकि मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, जो एस्पिरेशंस है दूसरे लोगों के, भाई ये प्रोडक्ट हमें ऐसे मिलना चाहिए, तो वो उस तरीके से प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगभग खत्म हो गई थी भीलवाड़ा से, टेक्नोलॉजी चेंज हुई और नई टेक्नोलॉजी पे वापस आ गई। हमारे न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में ही देख लीजिए आप, जो लोग पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही आजकल भी बैठे हुए हैं वो पिछड़ गए हैं, और जो लोग नई टेक्नोलॉजी लेकर और अपने प्रोडक्ट को बहुत बेटर बनाते रहे, जैसा कि आप खुद भी महसूस करते होंगे सवेरे अखबार देख कर कि क्या क्या प्रयोग हो रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो बेटर हो जाता है तो उसकी मार्केट में डिमांड बनी रहती है। वरना हम ये कहेंगे कि साहब ये अपनी उम्र पूरी कर चुका, ये ऐसा नहीं होता है। आपको अगर पॉलिटिकल पार्टी पर भी वही चीज लागू होती है, पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को बेटर करती रहे, अपनी पॉलिसीज को छानबीन करके और शार्प करती रहे, अपने कैडर को बहुत बेहतर करती रहे, और ऐसा कैडर नहीं बनाते कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हो लगातार। मैं मात्रा की बात बता रहा हूँ, परसेंटेज वाइज जो है बीजेपी के भी 10-20% तो नेता उसी कैटेगरी के हैं जिस कैटेगरी के कांग्रेस में है नेता, 80%। तो ये प्रॉब्लम उम्र की नहीं होती है, ये प्रॉब्लम ये है कि आपने समाज के नए सोच, नए मापदंड, नए विचारों को महसूस किया या नहीं, उनको अडॉप्ट करने की आप क्षमता क्या है। देखो, राजीव तिवारी जी ने भी बताया और मुनेश जी ने भी बताया कि जब एंटनी साहब की रिपोर्ट आई थी, ये तो 10 साल पुरानी बात है, 10 साल पहले अगर आप नए विचारों को आत्मसात कर लेते कांग्रेस में तो आपकी बहुत बड़ी टूट होने से रुक जाती, रुक सकती है। अब वही लोग जो कि ये मुद्दे उठाते रहते हैं, उन्होंने क्वेश्चन उठाए, जो लाल बहादुर शास्त्री के सुपुत्र हैं उन्होंने तो बकायदे राहुल गांधी से क्वेश्चन किया है अपनी उसमें, भाई आपकी नीति क्या है, और वो नीति नीति की बात करते हैं, नीति के नीचे वो कोई बात ही नहीं करते। वो आपकी नीति ये है कि आप एक तरफ तो इस तरह की बात करते हो, दूसरी तरफ दूसरे तरह की घटनाएं करते हो, तो कंट्राडिक्टरी बातों को क्यों प्रमोट करते हो स्थान और उस सिचुएशन को देखकर। ये जो चीजें हैं तो इनको आत्ममंथन करना पड़ेगा, सबसे पहले तो खुद ही सोचना पड़ेगा कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी आ गई है कांग्रेस के अंदर, कि हमारे अपने ही कार्यकर्ता जिन्होंने की सालों साल जीवन खपाया है कांग्रेस के साथ, बड़े बड़े पदों पर जीते हैं, काम किया है, मिनिस्टर रहे हैं, अब मालवीय जी को भी देख लीजिए,
इतने वर्षों से कांग्रेस के साथ है और एपेक्स बॉडी के मेंबर है कांग्रेस कार्यकारिणी के या कांग्रेस की नेशनल काउंसिल के मेंबर है, राजस्थान में मिनिस्टर रह चुके, जिला प्रमुख रह चुके, हर तरीके से सेवा करने में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसके साथ साथ वो सब तरीके की सेवाएं और समझ गए, पढ़ गए और उनका भी उन्होंने भरपूर उपयोग कर लिया। आज इसीलिए उनके सामने ये प्रॉब्लम है, उनको ये लग रहा है कि न केवल 2024 बल्कि 2029 का भी जो चुनाव आएगा तब तक कांग्रेस का कोई भला नहीं होगा और तब तक तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। जो रिसोर्सेज वो इकट्ठा करने की स्पीड उनकी थी वो स्पीड तो बंद हो ही जाएगी बिल्कुल, भले आप हमेशा तो ऐसे कुल मिला के तो चाहे चाहे सांप सीढ़ी के गेम में चाहे इस रास्ते से चढ़ जाओ चाहे उस रास्ते से, बात यह है कि सत्ता और रिसोर्सेज नेताओं के पास नहीं होंगे तो वो नेता नहीं रहेंगे, नेता नहीं रहेंगे तो उनकी राजनीति नहीं रहेगी। इसलिए आज की तारीख में राजनीति अपनी जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि जो जिंदा रखने दें उस तरफ का रास्ता अख्तियार कर लेना चाहिए। तो राजीव जैन जी, सवाल ये है कि सत्ता में रहते हुए और सत्ता में भी मतलब कितनी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में सत्ता में जब आप रहते हैं तो आपके कार्यकर्ता, आपके वर्कर्स आपसे मिलने का ना समय मांगते हैं ना उस समय उतनी जरूरत होती है क्योंकि सत्ता और रिसोर्सेज साथ साथ चल रहे होते हैं। लेकिन अब जब विपक्ष में है तो कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि कोई रीति नीति नहीं है, हमसे मिलने का समय नहीं है, हमें इग्नोर किया गया। आज सत्ता में जो है, मान लीजिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जिनको अभी बहुत कुछ नहीं मिला जो उनकी एक्सपेक्टेशन का है, लेकिन फिर भी वो बने हुए हैं शांति से। तो ये सत्ता का चरित्र ही है ऐसा राजीव जी? बिल्कुल, सत्ता का चरित्र ही ऐसा है, उम्मीदों से बंधे रहते हैं। सत्ता जब तक है नेता इसी उम्मीद में ही रहता है कि भाई मेरा भी नंबर लग सकता है। जैसे अभी भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया तो पूर्व में अपनी चर्चा हुई तो आपने भी कहा, सब हम लोगों ने भी कहा कि हर कार्यकर्ता ये सोचने लगा मेरा भी नंबर लग सकता है, ये एक उम्मीद है कहीं ना कहीं, तो उससे सत्ताधारी दलों से जुड़े रहते हैं। जहां तक अपनी बात है कि जो कांग्रेस से लोग पलायन कर रहे हैं या पार्टी बदल रहे हैं उसके पीछे कई कारण काम करते हैं, जो कांग्रेस के आत्ममंथन या एके एंटनी की रिपोर्ट सब में सब जगह जाहिर हो चुका है कि पार्टी में गुटबाजी नीचे से लेकर ऊपर तक फैली हुई है। आप देखिए कि जो महेंद्रजीत मालवीय का ही मैं बताऊं, वो प्रतिपक्ष नेता बनना चाह रहे थे, उनकी दावेदारी भी पुख्ता थी, आदिवासी जो भी ग्राउंड राजनीतिक दल लेते हैं उनमें सब में वो खड़े उतर रहे थे, लेकिन उनको नहीं बनाने देने के लिए एक दूसरे बड़े नेता ने अपने गुट के किसी को बनवा दिया, उसमें उनकी भावनाएं आहत हुई होंगी। तो एक तो कारण वो भी, ये भी माना जाता है जैसा श्याम जी बता रहे थे, लेकिन दूसरा एक अब रूप देखिए कांग्रेस में हमेशा ये चलता रहता है कि दो चार हर स्टेट में, जिले में, ब्लॉक, दो बड़े नेता होते हैं, उनके आगे पीछे के लोग होते हैं, उनके अपने गुट बन जाते हैं तो प्रमोट वो उन्हीं को करते हैं। भाजपा में भी गुटबाजी पनपी, लेकिन भाजपा ने उसको समय रहते कहीं ना कहीं काबू कर लिया। राजस्थान के संदर्भ में देखें जैसे वसुंधरा राजे गुट और एक संगठन का गुट, तो वसुंधरा राजे गुट को किनारे लगाया, उनके समर्थक लोगों को भी किनारे लगाया, उनको मंत्री नहीं बनाया, उन्होंने टिकट दिलवा दिए, चुनाव के समय लोगों को हरवा दिया, जितवा दिया, जो भी जो चीजें चलती है राजनीति में वो सारे खेल हुए। लेकिन कांग्रेस में ये बहुत ज्यादा चलता है, आज भी विपक्ष में है कांग्रेस कि यहाँ से राज्यसभा की दावेदारी के लिए कोई नाम थे, उन नामों को हटाने के लिए कुछ दूसरे जो बड़े नेता थे वो अपने सुप्रीम लीडर को ले आए कि इनका नाम आ जाएगा तो फिर कोई बोलेगा नहीं। उससे पहले पहले पीरियड में जो हुए चुनाव उसमें तीन लोग बाहर के इलाके खड़े कर दिए, उसमें एक भी राजस्थान का नहीं था, वो भी चर्चा अपनी हो चुकी है। लेकिन जो एक वो उसके पीछे कवायद यही थी कि अब जो दूसरे लोग टिकट मिल जाएगा तो वो दूसरे गुट का होगा, मेरा समर्थक नहीं होगा, इसलिए इससे अच्छा ये पिंड छुड़ाओ बाहर के नेताओं को, साहब ये बड़े नेता हैं, इनकी मजबूती है, इनका वो आला कमान ने कह दिया, तरह तरह के बहाने।
उनमें कोई भी कोई कारण हो सकता है, तात्कालिक एक कारण कोई भी गिना सकता है, लेकिन बहुत से कारण, बहुत से मैटर इस पे काम करते हैं कि किन लोगों को दबाए रखना है, किन को प्रमोट करना है। तो सत्ता की मलाई भी जो खाते हैं वो जो उस ग्रुप के लोग होते हैं, तो दूसरे ग्रुप को इग्नोर किया जाता है। उनका अपना जनाधार भी होता है, क्षेत्रीय स्तर पर जनाधार, स्थानीय स्तर पर होता है, तो चुनाव में टिकट भी मिल जाता है तो वो जीत कर आ जाते हैं, तो उसके बाद वो उनमें बदले की सी भावना भी आती है, या मेरे को इसने हमेशा दब के रखा है या तो इसलिए। तो एक चीज के साथ और मैं जोड़ देता हूँ कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में जो 7-8 बड़े नेता थे वो इस चीज की वकालत कर रहे थे कि युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए टिकट के लिए। वो खुद विधायक थे, पार्टी ने उनसे पूछा कि आपको युवा का नाम सुझाओ, तो उन्होंने युवा के तौर पर अपने बेटे बेटियों के नाम सुझा दिए। पार्टी ने इनकार कर दिया कि नहीं आप ही लड़ो। एक इसमें रोचक उदाहरण हेमाराम चौधरी का है, जो कहते रहे कि भाई युवा को मौका देना चाहिए, मैं तो 73 साल का हो गया, मैं कहाँ टिकट लो। उनसे पूछा भाई क्या आप बताओ युवा का नाम, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम बता दिया टिकट के लिए। पार्टी ने मना कर दिया कि बेटी को तो देंगे नहीं, तो आप दूसरे युवा का बताओ, तो उन्होंने अपने से 3 साल बड़े 76 साल के सोनाराम चौधरी का नाम सुझा दिया। तो आप विचित्र स्थिति तो कांग्रेस की ये देखिए, तो कांग्रेस कहाँ जाएगी, उसके नेता इसी तरीके से छोड़ छोड़ के जाएंगे। जी मीना जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में श्याम जी, जब जब किसी जब जैसे बहुत बड़ा वट वृक्ष है और जब उसके पत्ते झड़ने शुरू होते हैं तो एक बार सारे झड़ जाते हैं, फिर नया मौसम आता है, नई बसंत आती है, तो कांग्रेस पार्टी उस वट वृक्ष की तरह ही अब उस दिशा में बढ़ रही है। देखिए मीना जी, अब झांजी की पार्टी तो कहती थी कांग्रेस मुक्त हो जाएगा भारत, ये कब कह रहे थे, 2014 में कह रहे थे कि कांग्रेस गई और बीजेपी आई, ये नारा अमित शाह ने कहना बंद कर दिया। उनको पता पड़ा कि हमारे राज्य पे भी आधिपत्य जमाने का अधिकार अगर बीजेपी को मिल जाता है, जैसे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल में नहीं जीता पाए थे, हिमाचल पे कब्जा कर लिया, तेलंगाना पे कब्जा कर लिया, राजस्थान पे कब्जा इन्होंने कर लिया, मध्य प्रदेश पे कर लिया, छत्तीसगढ़, ये कब्जा करने की परंपरा तो चली आई है, कभी कौन करता है कभी, लेकिन मुक्त नहीं हो पाया। जिस प्रकार से मुक्त करने की बात कहते थे वो मुक्त करा पाने में सक्षम नहीं हुआ, इसलिए हमेशा पार्टी में आना जाना लगा रहता। ये पार्टी में देखिए परंपरा ये है कि झांजी की पार्टी तो RSS कैडर पार्टी है, हम इन लोगों को ले जाकर के मंत्री भी बनाती है, फिर उपकारित भी करती है और कहती है कि फिर कांग्रेस अच्छी नहीं है, कांग्रेस के लोग बदनाम है, भ्रष्टाचारी है, इनको फिर क्यों लेने की आदत पड़ गई, क्योंकि सत्ता में बनाए रखने के लिए। अब 400 पार या 400 आने के लिए अगर ये सब कुछ करोगे तो फिर पार्टी के मूल कार्यकर्ता कभी तो निराश होंगे, हताश होंगे, और फिर एकाध को फिर दे दिया जाएगा, जैसे भजन लाल जी को दे दिया या मदन लाठौर को दे दिया या चुनीलाल गरासिया को दे दिया, कुछ को देकर के कहा जाएगा देखिए सबको दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा अगर दूसरों को मिल जाता है या अधिकारी वर्ग को ज्यादा मिल जाता है तो इनको झांजी को तो पता पड़ता नहीं, झांजी को तो बाद में मालूम पड़ेगा जब वो जिस स्थिति में, देखिए कितने अधिकारी केंद्र में मंत्री बने, ये पहली बार है। देखिए मोदी जी का स्टाइल अमेरिका वाली स्टाइल है तो ठीक है कोई बात नहीं, अब राजस्थान में तो अमेरिका वाली स्टाइल वसुंधरा जी ने कुछ लोगों को जिताने का प्रयास किया, अशोक जी ने भी कुछ लोगों को जिताने का प्रयास किया, लेकिन मंत्री मंत्री नहीं बनाया कईयों को। तो देखिए जो स्थितियां कांग्रेस और बीजेपी में, जो मेन तो इस टीम की दो ही पार्टी है, और जिस तरह की स्थितियां बन गई हैं उसे कांग्रेस में जितने लोग चले भी जाएंगे तो कांग्रेस तो रहेगी, वजूद तो रहेगा कांग्रेस का, ये तो है नहीं कि इनके जाने से कांग्रेस खत्म हो जाएगी, नई पोत उग के आएगी, क्योंकि ये पोत तो उग करके वट वृक्ष बन करके अपने आप अपने को छाया देने का प्रयास कर रही है। देखिए मुझे तो याद है महेंद्रजीत मालवीय की, महिला आयोग की चेयरमैन जैन थी, जब एक शिकायत भी की थी इनकी पूर्व पत्नी ने, फिर सेटलमेंट कैसे हुआ था आपको भी पता है, और अशोक गहलोत ने SOG में मामला दर्ज कराया था, आपको पता हो, जो भवनलाल शर्मा से मिल करके जो जिस तरह की बातें हो रही थी कि इतना पैसा खाएगा कौन क्या करेगा, उसमें झांजी ये भी शामिल है, आपको पता हो तो पता नहीं, आपको पता है नहीं, लेकिन इनको किस तरह से क्यों अब राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है दिल्ली में कांग्रेस का, और क्या बीजेपी का, कांग्रेस का नहीं हो रहा बीजेपी का हो रहा, उसमें यदि कि CWC का सदस्य बड़ा होता है, बड़े नेता के रूप में, आदिवासी नेता के रूप में प्रचारित करके बीजेपी, हो सकता हो कि मोदी जी की मौजूदगी में, JP नड्डा की मौजूदगी में, क्योंकि अभी तो सुनने में आ रहा है कि कमलनाथ का पुत्र है वो भी भाजपा में जाने की शामिल की तैयारी हो रही है, अब उनको भी लाने की, तो बड़े लोगों को, हो सकता हो राष्ट्रीय सम्मेलन के जब शुभारंभ हो
बहुत सारे नगीने जो कि तैयार कर रखे हैं, कितने जा पाएंगे अभी पता नहीं। जिस प्रकार से राजीव जी ने सही कहा कि अशोक गहलोत ने तीनों को बुला करके समझाया मत जाओ, और दिनेश कोड़िया को भी बुला लिया कि मत जाओ अभी कुछ मैं कर सकता हूँ, तो ये सारी स्थितियां हो रही है। लेकिन राजनीति में जब चुनाव आता है तो ये मौसम की बयार किसी के लगती है किसी के नहीं लगती है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। विधायक का इस्तीफा भी देंगे वो, फिर वो क्या अपनी पत्नी को लड़ाएंगे क्या भाजपा की तरफ से, कौन को लड़ाएंगे, ये तो झाजी की पार्टी तय करेगी, वो तो बाद में मालूम पड़ेगा क्या कांग्रेस जीतेगी कौन जीतेगी पता नहीं। लेकिन परिस्थितियां में बदलाव आने का मतलब बार बार यही होता है कि देखिएगा कि कुछ नेता जो अब तक कांग्रेस को अपनी माँ कह करके सांसद भी बने, 5 बार विधायक बने, 2 बार मंत्री बने, उसके बाद भी कहा कि मुझे तो 13 में नहीं बनने दिया और 3 साल मंत्री नहीं बने, जब बड़ी वहां दिल्ली में जाकर जो बातें कह रहे हैं तो उनको पता है कि स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए आप जाओ और केंद्र में पता नहीं मंत्री बन सकते हैं, अगर आप सांसद बन गए तो आने वाले समय में मंत्री का भी हो सकता है, मिल जाए तो मिल जाए कोई बात। लेकिन स्थितियां बड़ी अच्छी नहीं कही जानी चाहिए, ये बात भी सही। कांग्रेस जिस तरह से ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए, नहीं मैं एक चीज कहना चाह रहा, जो उदयपुर में घोषणा जारी की गई थी उसकी अनुपालना कांग्रेस सक्षम नहीं हुई करा पाने में, ना सोनिया गांधी कह पाई, यहाँ बहुत दर्दीले स्वभाव में बोली थी उदयपुर में कि बहुत कष्ट का दिन है, कांग्रेस को देने का वक्त है, देव कांग्रेस के नेता करे, नहीं हम तो लेने का वक्त रखते हैं, सत्ताधारी पार्टी में जाएंगे तो मिलेगा, आपके यहाँ तो देने का वक्त है। जैसे कि अभी कह रहे थे पोरोस जी कि देखिए आपकी 2018 में आयकर नहीं दिया आपने, इसलिए आप कुछ अकाउंट सीज किए हैं, क्योंकि देखिए जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर जो रोक लगा दी तो कहीं तो कुछ तो करेंगे आपके खिलाफ भी, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा उनका पैसा नहीं आ पाएगा, तो ये सब चीजें राजनीति में जो होती है हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। पड़ोस जी आप अगर घबराओगे तो आगे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आपके पिता तो बहुत सक्षम हुआ करते थे, ईमानदार थे, ठीक भी थे, लेकिन देखिए जिस प्रकार की राजनीति में बदलाव आ गया है, इस बदलाव की राजनीति में इवेंट मैनेजमेंट का ज्यादा महत्व है, अब कार्यकर्ताओं का महत्व कम है। श्याम झा जी को भी पता है कि चुनाव में लड़ने के लिए लोग चाहिए होती है तो सब पैसे से चुनाव लड़ा जाता है और वही चुनाव जीता जाता है। तो श्याम जी बड़ा धोखे, वो प्यार से मारते हैं, धीरे धीरे मारते हैं, लेकिन कई बार मारते हैं। तो श्याम झा जी आप दुरुस्त रहे, मतलब ध्यान रहे, सनत रहे कि जिन लोगों को लेकर ला रहे हैं, वैसे तो श्याम जी ने बताया लेकिन पता तो आपको भी होगा, प्रदेश को भी है, लोगों को भी है, मशीनरी को भी है, राजनीतिक नेताओं को भी है, तो ऐसा नहीं है आपको पता नहीं होगा, आप ज्यादा जानकारी रखते हैं, जब हम आपसे बात करते हैं तो आप अपनी बात कम और सामने वाले दल की बात ज्यादा करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप सब, आपको ये सारी जानकारियां हैं, उसके बाद भी विचारधारा से प्रेम है, हो रहा है, नेताओं का स्वागत हो रहा है, ये चिंता की बात कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं है, ये चिंता की बात बीजेपी के लिए भी है, देश के लिए भी है, समाज के लिए भी है, कि जब कोई, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई संस्था हो, जब उसका क्षरण होता है, क्षरण के बहुत सारे कारण होते हैं, और सफल होता है तो उसके भी बहुत सारे साथी होते हैं, तो सफलता के जब सब साथी बनने जाते हैं तो पतन और क्षरण जब होता है तो सब रास्ता बदल लेते हैं, और वही स्थिति आज कांग्रेस पार्टी की है। विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वैसी जिम्मेदारी की तरफ पौरुष भारद्वाज जी थोड़े और कदम बढ़ाई, जितने वरिष्ठ मेहमानों ने जो कुछ बोला है वो अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, हालांकि उनको सब पता भी है, लेकिन जिनको पता होना चाहिए, जिसे आप आला कमान कहते हैं, उनके पास बहुत सारी, बहुत ज्यादा जानकारियां पहुंच नहीं पाती है, और इसलिए आज कांग्रेस पार्टी की ये हालत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी आज जिस दौर से गुजर रही है उसमें चाहे राजस्थान के महेंद्रजीत सिंह मालवीय हो, चाहे कटारिया जी हो, जयपुर से ग्रामीण से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव हो, चाहे अलवर से हिमाचल में उनके बड़े, उत्तराखंड में उनके बड़े इंडस्ट्री हैं, और उनका वास्ता जो है जिस तरह से सत्ताधारी पक्ष से लगातार रहना जरूरी है, इसलिए वो सत्ता का रास्ता अब विचारधारा के नाम पर तलाश रहे हैं, और क्योंकि सत्ता में जो है उन्हें भी ये सूट कर रहा है कि जो आए घर में, परिवार जितना बढ़े उससे लड़ाई लड़ने में आसानी होगी।
न्यूज 24 पर आज मेरे साथ इतना ही, कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी।